ग्राम अवलदा जो कि सरदार सरोवर बांध से जो प्रभावित गांव है, यहां पर विस्थापितों के 90 मकानों को डूब से बाहर किया गया, जो कि ऊपर के मकानों को ले लिया गया तथा नीचे के मकानों को छोड़ दिया गया। लोगों ने इसकी शिकायत पुनर्वास अधिकारी तथा इन वीडियो को किया, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं गई तथा अभी आने वाली बाढ़ से लोगों को ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हमारा कुछ 3 पीढ़ी से ये लोग रह रहे हैं इस गांव में, या हम भी रह रहे हैं इस गांव में। यहाँ का हम मूल निवासी लोग हैं, लेकिन ये सरदार सरोवर परियोजना से डूब आने वाली है, इसके बारे में हमारा कुछ मकानों का सर्वे हुआ, धारा 4 का सर्वे हुआ, धारा 6 का सर्वे हुआ, धारा 9 का सर्वे हुए, तो इसमें करीबन आधे लोगों को मुआवजा मिला और आधे लोगों को नहीं मिला। तो आपको इसका धारा 4 और इनका नोटिस भी मिला होगा? हाँ, मिला ना। ग्राम अवलदा में 90 मकान की सूची भी हमारे पास है और 90 मकान ना को बाहर कर दिए, तो ये सरकार का कोई सही निर्णय नहीं है। और पानी की डूब आएगा तो ऐसा तो कहीं है नहीं कि ये मकान का मुआवजा नहीं मिला तो इसको छोड़ दो और जिस मकान का मुआवजा मिला उस मकान में घुसू, ऐसा तो कहीं हो नहीं सकता है। शिकायत हमने इनवीडी में भी दी थी, कलेक्टर को भी दी थी, और कोई गांव के बहुत सारे लोग जीआरए भी गए, पर वहां से भी कोई हमको न्याय नहीं मिला और केस चल रहे बहुत 4 साल हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो यहाँ मौके पे आके देखना चाहिए और उसमें बड़ा अधिकारी भी आना चाहिए, गांव में छोटे अधिकारी आते हैं और कहीं का कहीं के लिख के जाते हैं। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप भी हमारी मदद करें। बड़वानी जिले के पुनर्वास अधिकारी श्री वीएस गोवा को फोन कर दबाव बनाए ताकि डूब प्रभावितों का मकानों को डूब में लिया जाए, जिससे कि वो आने वाली बाढ़ से बच सके। मैं पवन सोलंकी, ग्राम अवलदा, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।